नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारे, उसमें आज अगला नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक का नाम था आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में चल रहा था, है ना। तो तंत्रिका तंत्र में ध्यान रखना, मैंने उस दिन एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट को अभी एक बार वापस फॉलो करूंगा मैं। पहले एक बार आप इस मस्तिष्क की संरचना को समझ लो। आपके सामने यहाँ पे मस्तिष्क का डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना मस्तिष्क का, उसमें सारे भाग देखना। देखो कौन कौन से भाग याद रखने। एक आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही, उस डायग्राम में देखना उधर, ठीक है। स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें देखना, आप ऐसी संरचना दिखाई दे रही आपको एक साइड में, वो संरचना किसके आपके अनुमस्तिष्क से, वो क्या आपके अनुमस्तिष्क से, छोटा दिमाग बोलते हैं जिसे, ठीक है। जो क्या करता है, हमारी ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार जो कर सकते हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है, आपके अनुमस्तिष्क। फिर आप दिखा वहाँ पे देखना उस डायग्राम में कि जो आपके ऊपर वाला ये पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपके अग्र मस्तिष्क का, ये भाग। और फिर आपके ये ऊपर वाला भाग आप डायग्राम में देख लेना उधर, वो भाग कौन सा होगा आपके ऊपर वाला प्रमस्तिष्क। उस डायग्राम में सारे नाम लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो कि आपके सबसे अंतिम भाग जो नीचे वाला है डायग्राम में देखना आप स्क्रीन वाले में, ये सबसे नीचे वाला भाग कौन सा कहलाता है, आपके मेरु रज्जु, जो आपके गर्दन के पीछे वाले हिस्से से जुड़ा होता है। ये आपके जो मेरु रज्जु ऊपर वाला, इस मेरु रज्जु के ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है, आपके मेडुला कहलाता है। इसके थोड़ा सा ऊपर वाला भाग कौन सा कहलाता है, पोन्स कहलाता है, ठीक है। अब देखो इस माइंड के बीच में आपको एक व्हाइट कलर का ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है, बीच में व्हाइट कलर की एक संरचना दिखाई दे रही है, उसमें तो ये उसका ऊपर वाला भाग तो कौन सा आपके मध्य मस्तिष्क का, जबकि इसके आपके ये भाग, ये नीचे वाला भाग डायग्राम में देखना उधर, ठीक है। ये भाग कौन सा हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस के नीचे आपको एक छोटे से मटर के दाने के आकार की वहाँ पे एक पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रही है, डायग्राम में देखते जाना, ठीक है। वो किसकी संरचना आपके पीयूष ग्रंथि की है, पीयूष ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने किसका डायग्राम है, यहाँ पे मस्तिष्क का डायग्राम है, आप वहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना, आपको पूरा दिखाई देगा डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, जैसे कि मैंने उस दिन चार्ट बनाया था आपके कि आपके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, टोटल आपके दो भाग होते हैं। देखो कौन कौन से, मैं फटाफट डायग्राम ये आरेख बना देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं वापस। एक तो भाग था आपका कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, और एक कौन सा था आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र का। एक कौन सा था, परिधीय तंत्रिका तंत्र का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग थे, एक तो कौन सा था आपके मस्तिष्क का भाग था, और एक भाग कौन सा था आपके मेरु रज्जु का भाग था, ठीक है। और यहाँ परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग थे, कौन कौन से, एक तो था आपके कायिक तंत्रिका तंत्र, एक कौन सा था आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक कायिक तंत्रिका तंत्र, एक कौन सा था आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे अब देखो जो मस्तिष्क वाला पार्ट है, इसके कितने भाग थे आपके, तीन भाग थे। कितने भाग थे, तीन। कौन कौन से, एक तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक कौन सा हो जाएगा आपके पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के मैंने आपको तीन भाग बताए थे, क्या याद रखना आपको, HTC का मोबाइल याद रखना है। H का मतलब हाइपोथैलेमस, T का मतलब थैलेमस, और C का मतलब क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क हो जाएगा, इसका क्या होगा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। इसका कार्य मैंने बता दिया आपके मध्य मस्तिष्क का, देखने और सुनने का कार्य। और पश्चिम मस्तिष्क में आपको मैंने ट्रिक बताई थी, क्या याद रखना है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, P से पॉन्स, C से सेरिब्रम, मतलब सेरिब्रम का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे इस सी का मतलब है सेरिब्रम, और इसका है सेरिबेलम, सॉरी इसका तो आपके सेरिबेलम, ठीक है, इसका क्या है सेरिबेलम, और इस सी का मतलब है यहाँ पे सेरिब्रम। देख लो क्या अंतर है इस स्पेलिंग में दोनों में, ठीक है, इसका सेरिब्रम, इसका सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य बता दिया, अब हमें देखना एक पोन्स का कार्य। पोन्स क्या करता है, मस्तिष्क के जो भी भाग होते हैं आपके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन तीनों भागों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, आपके पोन्स वाला भाग करता है, ठीक है। और जो थैलेमस का भाग होता है, ये थैलेमस का भाग क्या कार्य करता है, आपके सूचनाओं को ले जाने का मस्तिष्क के पास में पहुंचाता यही है, और वापस उन सूचनाओं को भेजता कौन है, आपके थैलेमस का भाग भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मस्तिष्क का भाग क्या होता है, कंप्लीट होता है। मस्तिष्क के बाद में मेरु रज्जु का भाग कौन सा होता है, आप देखना डायग्राम में, अभी मैंने जो डायग्राम बताया था उसमें ये सबसे नीचे वाला भाग कौन सा हो जाएगा, मेरु रज्जु का।
ये मेरु रज्जु का कहां पे जुड़ा होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी रीढ़ वाली हड्डी के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो बाहरी सूचनाएं होती है, जो भी सूचना, उन सूचनाओं को ग्रहण करता है ये मेरु रज्जु। सबसे पहले मेरु रज्जु में सूचना जाएगी, किसी भी चीज़ का हम एहसास करते हैं या किसी को भी देखते हैं या किसी की आवाज़ सुनते हैं या किसी चीज़ जिसकी हमने गर्म वस्तु को छुआ है, तो वो सारी सूचना पहले किस में जाएगी, मेरु रज्जु में। और मेरु रज्जु के द्वारा ये सूचना कहाँ पे जाएगी, आपके मस्तिष्क वाले भाग में जाएगी, ठीक है। तो मेरु रज्जु का कार्य हो गया यहाँ पे। अब अगली हमें देखनी है परिधीय तंत्रिका तंत्र, कौन सा पढ़ना है हमें अब, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखना, परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती, कितने प्रकार की, दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। मतलब क्या होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, कि वह तंत्रिका तंत्र जो आपके मस्तिष्क के पार्श्व भाग जा जो या फिर आपके जो ये मेरु रज्जु होता है उसके पार्श्व भागों से जुड़ा होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है आपके संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं जिसे, एक होती है आपके प्रेरक तंत्रिकाएं, ये कौन सी होती है, प्रेरक तंत्रिकाएं, या जैसे मोटर न्यूरॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका कार्य क्या, इनका कार्य आप ध्यान में रखना कि जो आपके संवेदी तंत्रिका है, ये संवेदी तंत्रिका क्या करती है, जो भी सूचना होती है बाहरी सूचना, जैसे कि मैंने इस गर्म वस्तु में मेरे हाथ में और इसको मैंने छुआ है यहाँ पे, तो इस गर्म वस्तु के द्वारा जो सूचना जाएगी वो पहले कहाँ पे जाएगी, आपके इस मेरु रज्जु वाले पार्ट में जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और वो मेरु रज्जु के द्वारा सूचना फिर कहाँ पे पहुँचेगी, आपके मस्तिष्क में। तो ये क्या करती है, जो बाहरी सूचना होती है उन बाहरी सूचनाओं को, बाहरी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक है। और प्रेरक तंत्रिका क्या करती है, मस्तिष्क वापस रेस्पॉन्स देगा, उस पर एनालाइजिस करेगा कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमने गर्म वस्तु को छुआ है तो हमें क्या करना है, वहां पे एकदम झटके के साथ में हाथ हटाना है। तो वापिस जो भी सूचना होती है मस्तिष्क की, जो भी सूचना होती है वो सूचना मस्तिष्क की सूचना कहां पे पहुंचाएगी, हमारे हाथ में पहुंचाएगी, कहां पे पहुंचाएगी, हाथ में मतलब संवेदी अंगों में पहुंचाएगी, कहां पे पहुंचाएगी, संवेदी अंगों में पहुंचाएगी। तो ये आपके दो प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है, कहां पे, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। वो भाग तो आपके अलग है, कायिक और स्वायत्त, इनके बारे में बात करेंगे, पर एक बार तंत्रिका तंत्र ध्यान रखना कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिका पाई जाती है, एक तो संवेदी तंत्रिका, एक प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका का मतलब क्या है, कि जो बाहरी सूचना होती है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली तंत्रिका कौन सी कहलाती है, संवेदी तंत्रिका। और मस्तिष्क से वापस जो भी सूचना आती है, जो भी रेस्पॉन्स देता है, प्रत्युत्तर देता है, उन सूचनाओं को संवेदी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आपकी प्रेरक तंत्रिका करता है, ठीक है। तो ये आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र की दो तंत्रिका हो गई। अब देखो यहाँ पे एक तो है कायिक तंत्रिका तंत्र, एक है आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र में आपको ये याद रखना है कि ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, कौन करता है, आपके कायिक तंत्रिका तंत्र, कि शरीर का वह तंत्र जो आपके ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है वो कौन सा हो जाएगा, आपके कायिक तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कायिक तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होता, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, कि शरीर की वे क्रियाएं जो आपके हम अपने द्वारा अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। मैंने बताया था आगे भी आपको क्लास में कि जैसे कि हाथ पैरों का हिलाना, ये क्या ऐच्छिक पेश है, हम अपनी इच्छा के अनुसार इनको हिला सकते हैं, संकुचित कर सकते हैं, तो वो तो कौन सी हो जाएगी, आपकी ऐच्छिक पेशियां। तो ऐच्छिक पेशियों का नियमन कौन करता है, आपके कायिक तंत्रिका तंत्र कहलाता है, सॉरी ये कायिक तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। अब देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट होते हैं, मैंने बताए थे आपको, एक तो होता आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी, ठीक है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखो यहाँ पे पहले तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कायिक को इंग्लिश में कहते हैं सोमेटिक, सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त, स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक
AUTO ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक मतलब क्या होता है? स्वायत्त मतलब अपने आप ही होने वाला, मतलब वह तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। कौन सी क्रियाओं का नियमन करता है? अनैच्छिक क्रिया। अब अनैच्छिक क्रिया जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, उन क्रियाओं का नियमन कौन करता है? आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। और इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट होते हैं? आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में कि ये क्या कार्य करता है। ध्यान रखना, आपातकालीन परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करते हो? वहाँ पे खड़े थोड़ी रहोगे, खड़े रहोगे तो वो शेर क्या करेगा? आपको मार डालेगा। तो आपके अंदर एकदम अचानक से क्या होती है? आपके हृदय की धड़कन दर बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, पेशियों में संकोचन होने लगता है ना। तो उस कारण क्या होता है, ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि ये हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब क्या होता है कि ये हमारे शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है? आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है आपातकालीन परिस्थिति में। जैसे कि आपके हृदय की धड़कन दर बढ़ती है तो उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, भागने की क्षमता मिलती है, या फिर हमारे क्या होते हैं, श्वसन दर बढ़ जाती है, आंखों की पलकें झपकने स्टार्ट कर देती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं? सारे आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब क्या होता है कि आपातकालीन परिस्थितियों में आपके हृदय की धड़कन दर तो बढ़ गई, पर लेकिन हृदय की धड़कन दर को इतना भी नहीं बढ़ने देता कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो उस हृदय की धड़कन दर को वापस कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। मतलब ये क्या कार्य करता है? इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत कार्य करता है। अगर ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपके हृदय की धड़कन दर को बढ़ाएगा तो ये वापस हृदय की धड़कन दर को क्या करेगा? धीरे धीरे नॉर्मल करेगा। देखा होगा कि आप भागते जाते हो, आपके क्या होता है, श्वसन दर तो बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन दर भी बढ़ जाती है। थोड़े समय बाद में क्या होता है आपके कि हृदय की धड़कन और आपके श्वसन दर क्या हो जाती है? धीरे धीरे नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। किसके कारण होता है वो? आपके इस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। मतलब ये क्या कार्य करता है? इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या हो गया? ऐच्छिक पेशियों का नियमन कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो पार्ट होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। ये आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे शरीर को क्या करता है? अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि जो आपातकालीन परिस्थितियों में जो क्रियाएं आपके ज्यादा हुई है उन क्रियाओं को वापस नॉर्मल करने का कार्य ये परानुकंपी करेगा। जैसे कि आपके अनुकंपी तो क्या करता है, हृदय की धड़कन दर बढ़ाता है। किसकी? हृदय की धड़कन दर को बढ़ाएगा। जबकि ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? आपके हृदय की धड़कन दर को वापस क्या कर देगा? कम करेगा। कम मतलब नॉर्मल कर देगा, रोकेगा नहीं पूरी। ठीक है, रोकेगा तो आप भी रोक जाओगे, सिर्फ ये क्या करेगा, इस हृदय की धड़कन दर को नॉर्मल करेगा, एकदम लयबद्ध चलने में नियमन करेगा। ठीक है, अब ये अनुकंपी वापस क्या करता है? आपके आपातकालीन परिस्थितियों में श्वसन दर को बढ़ाता है। जबकि ये श्वसन दर को क्या करेगा? वापस कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि श्वसन दर को पूरा रोक देगा, वापस नॉर्मल अवस्था में लाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे ये आपके तंत्रिका तंत्र का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब ध्यान रखना, इस तंत्रिका तंत्र में विशेष प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में एक कोशिका होती है, कोशिका को शरीर की मूलभूत आपकी इकाई कहते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक। एक हमने किडनी की वृक्क की संरचना पढ़ी थी, वहां पर भी उसकी संरचना देखी थी कि उसकी भी एक कोशिका होती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक हमने संरचना पढ़ी थी आपके, एक इसमें आपकी विशेष प्रकार कोशिका कार्य करती है इस तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, उस कोशिका को कहते हैं आपकी तंत्रिका कोशिका। उस कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन की संरचना हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने ये आपके तंत्रिका तंत्र का पार्ट पूरा कर लिया था। मस्तिष्क का डायग्राम आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, उस डिस्प्ले पर आप डायग्राम पूरा अच्छे से देख ले। जैसा कि मैंने बताया था, सारे भाग उसमें दर्शाए हुए हैं आपके, और ये आपके
इस तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट, एक तो केंद्रीय एक परिधीय, ठीक है। इन सारों के बारे में मैंने कार्य बता दिए थे आपके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके इस तंत्रिका कोशिका के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।